आरोपी अजीत पवार गुट के नेता महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर जान ले ली गई। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। सिद्दीकी के करीबी सलमान खान की सुरक्षा अब दोगुनी कर दी गई है। राजनीति में दिलचस्पी ना रखने वाले लोग बाबा सिद्दीकी को उनकी स्टार पार्टियों के लिए जानते थे। टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री, शायद ही ऐसा कोई सितारा होता जो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में नजर ना आए। सालाना रमजान के मौके पर मुंबई में होने वाली इस पार्टी में बॉलीवुड सेलेब्स की भीड़ लगी रहती थी। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि यह पार्टी शाहरुख खान और सलमान खान का सालों पुराना झगड़ा खत्म होने की वजह बनी थी। हर साल की तरह 2013 में भी बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में सलमान पहले से ही मौजूद थे, जबकि सलमान के बाद शाहरुख इस पार्टी में आए। पार्टी के होस्ट बाबा सिद्दीकी पहले शाहरुख से गले मिले और फिर सलमान को भी खींच कर गले लगा दिया। बाबा सिद्दीकी से गले मिलते हुए दोनों सुपरस्टार एक ही फ्रेम में आ गए। इस दौरान सलमान के पिता सलीम खान भी वहां थे। बाबा सिद्दीकी से मिलने के बाद दोनों स्टार्स ने हाथ मिलाया और फिर एक दूसरे के गले लगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सलमान शाहरुख की लड़ाई 2008 में कैटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी में हुई थी। कैटरीना की बर्थडे में दोनों की बहस हो गई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुनाई। दोनों की ये दुश्मनी 5 साल तक चली थी और 5 साल बाद बाबा सिद्दीकी ने इस दुश्मनी पर विराम लगाया। तो कुछ यूं बाबा सिद्दीकी ने फिर से करवाई थी सलमान और शाहरुख की दोस्ती। फाइनल का न्यूज़ डेस्क।